हेलो एवरीवन, कैसा है आप लोग। तो ये एक आर्टिकल था आज के न्यूज़पेपर में जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। इट आसियान समिट, इंडोनेशिया वॉर्न्स अगेंस्ट न्यू कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडोनेशिया कुछ वार्निंग देता है, तो चलिए देखते हैं क्या है। इंडोनेशिया वॉर्न्ड लीडर अगेन, इंक्लूडिंग US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, चाइनीज प्रीमियर ली क्वेंग एंड द रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरो अगेंस्ट दी शार्पनिंग राइवलरीज एज दे रैप्ड अप द ईस्ट एशिया समिट इन जकार्ता ऑन थर्सडे। द मीटिंग ब्रॉट वाशिंगटन एंड बीजिंग इन कॉन्टैक्ट अ डे आफ्टर मिस्टर ली वॉन्ड मेजर पावर्स मस्ट मैनेज डिफरेंसेस टू अवॉइड न्यू कोल्ड वॉर एंड अहेड ऑफ द G20 समिट इन न्यू दिल्ली दिस वीक द चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग विल मिस। भाई क्यों नहीं आ रहे हो, आओ ना यार, मजा आएगा। वी मिस यू सी जिनपिंग, प्लीज कम। Interaction between the official from the world's top two economies are being closely watched as they seek to control tension that risk flaring a new over issue ranging from the Taiwan to ties with Moscow and the competition of influence in the Pacific. If every leader has an equal responsibility to not to create new conflict, to not to create new tension, and at the same time we also have a responsibility to lower heated tension. Indonesia प्रेसिडेंट जोको विडोडो, चेयर ऑफ द आसियान सेड इन द क्लोजिंग रिमार्क। तो इन्होंने यही बोला है कि भाई सब लीडर लोग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कोई नया कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई नई टेंशन ना हो, और जो ऑलरेडी हो चुके हैं वो टेंशन कम हो जाए। मिस हैरिस स्पोक अबाउट द रशियाज इलीगल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, मैरीटाइम चैलेंजेस इन साउथ एंड ईस्ट चाइना सी एंड द ग्रोइंग थ्रेट ऑन नॉर्थ कोरिया मिसाइल प्रोग्राम। डेनियल क्रिटेनब्रिंक, US असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक अफेयर, टोल्ड इन द ब्रीफिंग। तो मतलब यहाँ पे चलिए मैं आपको समरी बताऊँगा। थर्सडे 18 नेशन समिट वॉज द फर्स्ट टाइम द टॉप US एंड द रशियन ऑफिशियल हैव सेट अराउंड द सेम टेबल इन ऑलमोस्ट 2 months आफ्टर US एंड यूरोपियन ऑफिशियल कंडेम्ड मिस्टर लेवरो एट द एट अ जुलाई मिनिस्ट्रियल मीटिंग ओवर द रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। मिस्टर लेवरो स्पोक ऑफ द रिस्क ऑफ मल्टी मिलिटेरियनेशन ऑफ ईस्ट एशिया, अक्यूजिंग द नाटो अलायंस ऑफ मूविंग इन टू रीजन, रशियाज फॉरन मिनिस्टर। तो यहाँ पर हमारे लिए जस्ट अ सेकेंड क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इंडोनेशिया का मूव बहुत अच्छा था, इन्होंने जो बोला न्यू टेंशन मत करो, न्यू कॉन्फ्लिक्ट मत करो, जो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन है, उसको सॉर्ट आउट करो। तो इनका मूव बहुत अच्छा लगा मुझको। और कहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे कमला हैरिस दैट इज़ US रिप्रेजेंटिंग US, उन्होंने रशिया को टारगेट किया, चाइना को टारगेट किया एंड आपके नॉर्थ कोरिया को टारगेट किया, इसके यूक्रेन इन्वेजन को टारगेट किया, इसके मैप को साउथ चाइना सी के आपके साउथ चाइना सी के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर टारगेट किया एंड इसके मिसाइल जो ये डेली निकालते कि यहाँ फेंक देंगे वहाँ फेंक देंगे उसके ऊपर इन लोगों को टारगेट किया। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और G20 आसियान सबके लोकेशंस, अब देखिए नाटो, ये हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में। सो थैंक यू गाइस, लाइफ में हमेशा इंडोनेशिया जैसा अप्रोच रखिए, अभी जैसा इस आर्टिकल में दिखा कि नए टेंशन को मारो गोली और पुराने टेंशन जो ऑलरेडी हीटेड अप है उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो एंड फ्री योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द टेंशंस एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।